पिछले दिनों हुई ललितपुर और चंदौली की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा। INN न्यूज के लिए शारिफ खान की रिपोर्ट। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व नेताओं ने जिलाधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की, साथ ही एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में मांग की गई है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं ललितपुर और चंदौली में हुई जघन्य अपराधों की घटना की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में CBI से कराई जाए। ललितपुर में एक किशोरी के साथ गैंग रेप हुआ है। जब पीड़िता न्याय पाने के लिए थाने गई तो थाने में मौजूद दरोगा ने न्याय दिलाने की जगह पर पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद चंदौली में दो बेटियों को घर में घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया, इसके बाद उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटनाक्रम में अपराधियों पुलिसकर्मियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जब से विधानसभा का चुनाव सम्पन्न हुआ है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं इस हद तक बढ़ गई हैं, जिसका उदाहरण अभी आपने पीछे देखा होगा, ललितपुर में थाने में 13 साल की बच्ची के साथ वहाँ के इंस्पेक्टर यानी थाना अध्यक्ष द्वारा ही उससे बलात्कार कर दिया गया। जो अपने समस्या को लेकर के थाने में पहुँच रही थी, उस बच्ची को ही मतलब बलात्कार का शिकार होना पड़ा थानेदार के द्वारा। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में महिलाएँ कितनी सुरक्षित हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है, चाहे वो ललितपुर का मामला हो चाहे चंदौली का मामला हो, चंदौली में एक परिवार में घुसकर पुलिस द्वारा एक लड़की को मार दिया जाता है, हत्या की जाती है। सैकड़ों घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी जी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में कानून का शासन जब तक नहीं कायम होगा तब तक आम आदमी पार्टी जो है धरना प्रदर्शन करके आपको जो है मजबूर कर देगी कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि जो पास्को में चिन्हित है 13 साल की बच्ची के बलात्कार में जो चिन्हित है, अगर योगी जी को महीनों लगेंगे उसको अरेस्ट करने में, तो मैं समझ नहीं रहा हूँ कि जो है ना कानून कैसे कायम होगा। देखिए मैं बता तो रहा हूँ ना, आप कितनी हेल्पलाइन चल रही है, आप ये बताओ कि इससे पहले कितनी सरकारों में थानेदार द्वारा 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, आप बताइए एक भी उदाहरण। आप मीडिया सम्मानित मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक भी उदाहरण बताइए जब थाने में किया हो, थानेदार कर रहा है और योगी जी की सरकार में कर रहा है। चंदौली में पुलिस घर में घुस करके परिवार की लड़की को मार दे रहे हैं घर में घुस करके, आपको पता है सभी लोगों को, तो कौन कार्रवाई करेगा? लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, योगी जी केवल और केवल पूजा पाठ में लगे हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।